गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये भक्ति रूपी पौधा हम लाए और इसको हमने ऐसे जमीन में जड़ मिट्टी में डाल दी, गमले में या मिट्टी में पृथ्वी में, और जड़ की पूजा की, यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति की। तो यहां से शुभ संस्कार बनके ये खुराक बनके तना में गई, यानी ये अक्षर पुरुष है परब्रह्म, और तना से फिर ये डार ये ब्रह्म है अक्षर पुरुष, और डार से फिर तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी में पहुंची, और फिर ये आगे हमें फल मिला। अब ये समझना, हम क्या करते हैं, हम उल्टा कर रहे थे, हम ऐसी साधना कर रहे हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की तो पूजा कर रहे हैं और मूल को छोड़ दिया। तो ऐसे हम जब पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं तो लाभ कौन देता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही देते हैं। द्रौपदी, अब आपको मैंने बताया, दास ने बताया कि पहले जन्मों में द्रौपदी प्रभु की भक्त रही है, वो भक्ति और साथ में उसको पता था प्रभु ने कि आपत्ति आओगी मेरी प्यारी आत्मा में, उससे पहले एक उनका शुभ कर्म खुद आकर के साधु रूप बनाकर बना गया, काल ने पता नहीं किए। तो ऐसे जब हम देखो पुण्यात्माओं, द्रौपदी की तो इज्जत रहेगी, और हम देखते हैं समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं और वैसे भी बहुत सी बातें सुनते हैं, जगह जगह ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ क्या दुर्दशा बलात्कारें होती हैं, उनकी पुकार क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि वो पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं कर पाई है। अब जैसे या इस जन्म में कोई अशुभ नहीं बना उसे, जैसे द्रौपदी ने, अब कोई भी आत्मा आपत्ति आती है जो भगवान याद करती है, लेकिन किसी की सुनाई हो जाती है किसी की नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये तत्व ज्ञान है, इसको अच्छी तरह समझना आपने। जब आत्मा रोती है, आत्मा की पुकार ऊपर जाकर के धर्मराज के दरबार में कंप्यूटर से टकराती है, उसकी फिलोपी खुल, उसकी फाइल खुल जाती है, धर्मराज देखता है, न्यायाधीश देखता है यहाँ का, कि इस आत्मा की जो पुकार यहाँ आई है, प्रभु को याद कर रही है, हृदय से रो रही है, इसका कोई ऐसा शुभ संस्कार है जिसकी आपत्ति टाली जा सकती है, क्योंकि यहाँ तो वर्क डन मिलता है। यदि उसका कोई संस्कार उसमें है नहीं इस जीवन या पूर्व जीवन का, तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अब जब उसने द्रौपदी ने पुकार किया, पुकार की हृदय से रोई के परमात्मा रखो लाज मुरारी मेरी। अब द्रौपदी तो कृष्ण ने भगवान मान ली थी, लेकिन आत्मा परमात्मा ने पता है ना, या आत्मा किसकी है, अपने की चिंता तो आपने होया करे, ये बालक से अब किससे ने याद कर रो रहा हो, लेकिन मान तो बेरा ना मेरा बालक से हो, तो वो भागी आती है। ऐसे ही वहां से जब उसका परमात्मा ने एक सिस्टम बनाकर छोड़ दिया कि अब ये जैसे
गीता जी के अध्याय नंबर 10 11 12 में लिखा है कि तुम इन देवताओं की को उन्नत करो, ये बड़े हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे और ये बड़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे इच्छित भोग देते रहेंगे। अब द्रौपदी ने जो ही पुकार की तो वहां से वो संस्कार श्री कृष्ण जी जब गुरु रूप में थे उसके अंदर उसके अंतःकरण में टकराया कंप्यूटर में। वहां से वो जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेज देते ना पूरा का पूरा मैटर, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हुआ ऑटोमेटिक सिस्टम। परमात्मा क्यों सिर में दर्द करे था, उसने नियम बना के छोड़ दिया, उस नियम से सब चल रहा है और उस नियम में परिवर्तन वो स्वयं ही आकर कर सकता है। यानी जैसे संस्कार बढ़ा दिए तो जो ही उस समय कृष्ण जी तो शतरंज खेल रहा था अपनी रुक्मणी गेलिया, बता शतरंज खेल वो संत हो अग्रह या गुरु हो सकता है, वो तो मौत मस्ती मारे थे पूरा जन्म के संस्कारी हैं, लेकिन परमात्मा ने काम उन्हीं के माध्यम से करना है, गुरुओं के माध्यम से जो वर्तमान के जो थे तीन लोक के ही संत हैं। और ये तीन लोक के जो है ना मंत्री भी हैं। अब सेंटर से कोई एड आती है तो मंत्री लोग या मुख्यमंत्री फिर मंत्रियों को देता है, मंत्री आगे अपने विभागों में बांट देते हैं। तो द्रौपदी का वो संस्कार श्री कृष्ण में आकर टकराया, वो वहां से आया जो का। अब श्री कृष्ण द्रौपदी के साथ तो शतरंज खेल रहा था, शतरंज खेलकर खेलते खेलते ऐसे पासे डाले वो पासे आकर खेलने के, उसमें बोलना होता है कच्चे 11 या पक्के 12 या पौ 12 जैसे। अब नो पासे वो डाल करके पासे कृष्ण जी ने मुंह से बोलना था पक्के 11 कच्चे 18 जैसे भी, लेकिन उसने कहा अनंत अकड़ गया श्री से अनंत। अब रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, कहने लगे हार गए ना अनंत क्यों गया बता मेरे तय क्या कारण था, तो ना ये पासों वाली भाषा तो बोली को ना। तो उसमें परमात्मा ने कृष्ण को चेतनी दी, चेतना दे दी, उसकी बुद्धि खोल दी थोड़ी सी। कहने लगा कि दुशासन हर ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार कर रखा है। अब वो क्या बोल रही थी उसमें, परमात्मा की भेजी हुई शक्ति बोल रही थी श्री कृष्ण में, कबीर परमेश्वर की पुण्यात्मा। इस तत्व ज्ञान को समझना अभी तक तो हमने जो है ना एक स्टेट के मंत्री को प्रधानमंत्री मान रखा था, राष्ट्रपति भी यही है, प्रधानमंत्री भी यही है और मंत्री भी मुख्यमंत्री भी यही है, हमारी इतना सोच इतना ऐसा ज्ञान था हमारा। और कहा कि यदि हमारी भक्त हार गई तो मेरा नाम कौन लेगा, वहां कौन बोल रहा था ये अंडरस्टूड समझना, श्री कृष्ण नहीं बोल, श्री कृष्ण बेरा नहीं तो ताश खेल रहा था, पैसे खेल रहा था शतरंज के। तो वहां से फिर कृष्ण वही है, वहां से वो पूर्ण परमात्मा अन्य रूप धार के सतलोक से आए और द्रौपदी के ऊपर विराजमान हो गए, सिर के ऊपर पीछे खड़े हो गए और ऐसे हाथ कर दिया। अब दुशासन खींच रहा है कपड़ा और उधर से परमात्मा उसके वर्क डन जो पहले करवा दिया था दाता ने वो ढेर लगा दिया। दुशासन थक गया कति, उस बेटी को नंगा नहीं कर सका। अब आपको वो सवसम वेद की वाणी प्यारी वाणी सुनाता हूं। पुण्यात्माओं जब द्रौपदी वो हार चुके उन्हें डाल दिया कति, हार कर थक गया दुशासन ऐसा योद्धा था बहुत तगड़ा, कहते इतनी दुष्टता के साथ खींच रहा है अपने उस प्रतिशोध को करने के लिए लेने के लिए, लेकिन वो पसीना पसीना हो जाता, साड़ी का ढेर लग जाता है, लेकिन बेटी की इज्जत को वो बर्बाद नहीं कर सके। कहते जा को राखी साई अमार से कहना को, फिर कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण आए, पर श्री कृष्ण ने नौ बिना पता वहां किए हुए उस समय, क्योंकि वो द्रौपदी ने बताया कि भगवान आपने बड़ी इज्जत रखी मेरी, ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे साथ ऐसा बदसलूक किया था,
मैंने आपको याद किया, आपने मेरी साड़ी बढ़ा दी। अब कृष्ण ने याद भी को ना पता भी नहीं की कह रही है और द्रौपदी कह रही है। फिर कहती है, फिर परमात्मा ने वह चेतना दी कि बेटी का दिल डटा रहे, भक्ति बनी रहे, ताकि ये भक्त आत्मा इस उदाहरण को सुनकर दान धर्म में रुचि रखे, ताकि इनका कल्याण होता रहे। फिर द्रौपदी परमात्मा ने उसकी ऑन कर दी बुद्धि कृष्ण की। जब कृष्ण जी ने देखा कि इसका कौन सा संस्कार था, तो उन्होंने देखा कि बहन आपने एक दिन गंगा पर स्नान कर रही थी, करने गई थी, वहां एक अंधे संत को, वो परम संत था, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं, उसको आपने अपनी साड़ी पाट के कपड़ा दिया था, उसी के प्रतिफल में आज तुझे ये मिला है। अब द्रौपदी कहती है, परमात्मा एक बिलास के टुकड़े का, एक लीर का, यानी एक थोड़ी सी कातर का इतना प्रतिफल इसे महापुरुष को दान करने का। तो द्रौपदी कहती है, परमात्मा जब मुझे पहले पता होता तो मैं उस पर सब कुछ न्योछावर कर देती, एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो देती सर्वस्वार। अब आपको वो सब संवेद जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, 25 से 30, 31 और 32 में कहा है कि कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी साधना करता है, लेकिन वो यथार्थ ज्ञान तो परमात्मा की वाणी में ही आपको मिलेगा, वो तत्वदर्शी संत बताते हैं। तो परमात्मा की वाणी आपको सुनाते हैं। द्रौपदी नहान चली है गंगा, सैंस सुहेली का सतसंगा, द्रौपदी गंग किया असनाना, धूप दीप दे की ना जाना, अंदरे की कोपीन बहाई, ही ढूंढत बेर लगी रे भाई, औगट घाट द्रौपदी मेला, देखा अंधे का सब खेला, चीर फाड़ को पीन बहाई, द्रौपदी अंदरे आगे ल्याई, एक तो बही गंग की धारा, दूजी और करी वहां त्यारा, पांच सात को पीन बहाई, द्रौपदी मुख से बोलत नाही, लकड़ी के जब दिया लपेटा, अंधरे से ती हो गया भेटा, चीर फाड़ पे तंबर डारा, द्रौपदी चली नगर मंजारा, दुशासन योद्धा मैं मनता, दस सेंस प्राप्ति बलवंता। जैसे आजकल बिजली की पावर को हॉर्स पावर से नापते हैं, उसका तोलते हैं, मापते हैं कि 4 हॉर्स पावर की, 5 हॉर्स पावर की, 8 हॉर्स पावर की मोटर, तो वहां हाथियों के बल से उन योद्धाओं को नापा जाता था। कहते 10,000 हाथियों की ताकत जितना वो दुशासन था, और द्रौपदी एक फूल, कमल के फूल जैसी थी, कमल के फूल जैसी, यानी उसकी तुलना में इतनी वीक थी, कोमल थी, और जो परमात्मा की आड़ में बैठे हैं वो ऐसे ऐसे दुष्टों को भी छक्के छुड़ा देते हैं। दुर्योधन दुशासन योद्धा में मनता, दस सेंस राप्ती का बलवंता, राप्ती माने हाथी, दुर्योधन राजा जा बोले, द्रौपदी नगन करो पट ओले, द्रौपदी तुही कर टेरी, राखो लाज मुरारी मेरी, विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा, विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी दासी का जाया, विषम द्रोण और कर्ण मुस्काया, दुशासन भर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान धरा पद्माही। अब उस दुशासन दुष्ट आत्मा ने द्रौपदी को अपनी बाहों में पकड़ा, बदतमीजी की करने लगा और दसे पल्लू खींचने लगा। दुशासन भर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान धरा पद्माही, द्रौपदी टेरी धान धर, सुनो पुरुष रघुबीर, दूसरा संता के जहां अंत कोट बचीर,
प्रीतम पूर्ण ब्रह्म बनानी मेरी लाज रखो हे परवानी। अपुनात्मा हम चाहे किसी के पुजारी है नुकार, हे भगवान हे परम शक्ति हमारी मदद करिए। परम शक्ति पा जाते हैं फिर हम, हे परम पिता। प्रीतम पूर्ण ब्रह्म बनानी मेरी लज्जा रखो हे परवानी। गज गरा के तारण हारे बिल्ली के सुत अगन उभारे। प्रहलाद भक्त की ओ परमाना नरसिंह रूप धरे विदिनाना। पापी अदम को तारण हारे मैं बांधी हूं पांच बरतारी बरतारे। द्रौपदी टेर सुनी परवाना द्रौपदी है कैलाश समाना। ओए उस परमात्मा ने द्रौपदी की टेर सुनी, द्रौपदी तो फिर कैलाश पर्वत की तरह अडिग बना दी मालिक ने। जैसे अडिग अडोलम खंबा ध्यान धरा पिंड होरुम्बा। रुक्मणी कर्म पकड़ा मुस्काई अनंत कहा मोको समझाई। उधर दूसरा कृष्ण जी खेल शतरंज और वो पासे डाले तो उसने ना अनंत कहा अनंत। द्रौपदी ने बाह पकड़ ली। रुक्मणी कर पकड़ के हंसन लागी हाथ पकड़ के। द्रौपदी कर पकड़ा मुस्काई अनंत कहा मोको समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी ही मेरी भक्ति सकल ने सिखरी। प्यारी आत्माओं कितनी प्यारी वाणी बोल रखी है आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने। कबीर परमेश्वर के द्वारा दिए उस ज्ञान को अपने जैसे कंप्यूटर में टेप रिकॉर्डर में फीड कर दे, मोबाइल में फीड कर दे, मोबाइल बोला करे, फीड किया हुआ मैटर किसी और के द्वारा है। तो कबीर परमात्मा की दी हुई वाणी ज्ञान परमात्मा ये गरीबदास जी बोल रहे है, कितनी प्यारी वाणी है। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई अंत कहा मोको समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी मेरी भक्ति सकल में सिकरी। अब वहां कौन शक्ति बोल रही थी? परम शक्ति बोल रही थी उस श्री कृष्ण के कंप्यूटर में, श्री कृष्ण रूपी टेप में मालिक की शक्ति बोल रही थी। तो वहां परमात्मा क्या बोल रहे हैं? जो मेरी भक्त पे छोड़ी होई, मेरी भक्त पे छोड़ी होई तो हमारा नाम न ले वह कोई। तंदे ही से पासा डारी वहां पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो खेलन लग गया वहां पर और वहां परमात्मा सूक्ष्म रूप में कबीर परमेश्वर आकर के विराजमान हुए। द्रोप सुता के तीर बढ़ाए संख संखों पार न पाए। खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। संख चीर पीतंबर जीने द्रौपदी कारण साहेब कीने। संखों चीर पीतंबर डारे दुशासन से योद्धा हारे। पुण्यात्माओं दास ये आपको बताना चाहता है कि हम हमारे लिए परमात्मा कैसे भटक रहे हैं। अब हम उसकी आत्मा है, हम तो एक जैसे किसी का बालक बिगड़ गया, किसी का बच्चा गलत बच्चों के साथ लग गया, शराब पीन लग जा, कि तो और बकवास करने लग जा, चोरी चारी करके कि तो जेल में जा पड़े, तो पिताजी की आत्मा माता पिता की आत्मा दुखी होती है, उसके साथ साथ फिरता रहता है। किसी प्रकार इसको इस कुसंगत से बचाऊं और इसको इस कैद से छुड़वाऊं ताकि आगे गलती ना करे। तो परम पिता परमात्मा हमारे पीछे ऐसे घूमता रहता है। वो हमें क्या बताता है? उदाहरण देता है नाना प्रकार के। पतझड़ आवत देखे के बन रोव मन माही। ऊंची टणी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़न तानू कहे सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहां पड़ांगे जाए। अब जैसे क्या उदाहरण देते परमात्मा कि जैसे पतझड़ अब आ रही है,
अब ये वसंत ऋतु है, इस वसंत ऋतु में जो पहले वाले पत्ते थे वृक्षों के वो झड़ने लग जाएंगे, पीड़े पीड़े होकर के गिर जाएंगे और तुरंत ही नई नई कोपल फूट आवेंगी और कुछ ही दिनों में पत्तों का रूप धारण करके एक वर्ष वो फड़फड़ फड़फड़ मस्ती मारेंगी, हवा में लहलाती रहेंगी और फिर पतझड़ होगी, वो भी पीड़े होकर टूट टूट के पशुओं के पैरों में या गंदे नालों में जाके खराब होंगे या कि तब फूंक दिए जाएंगे। इसी उदाहरण से परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो अब बूढ़े हो गए, ये हमारे जैसे होगी, सफेद टाट होगी, बाढ़ हो गए, अब अलार्म बाज लिया क्या रोले, हमारी तो जाने की तैयारी होली और पीछे तो छोटे छोटे पोते ही मस्ती में घूम रहे हैं, वो तैयार कर लिए काल ने, और 60-70 साल वो पोते यहीं पर कूद काज लेंगे, फिर इनकी टिकट कट जाएगी। तो क्या कहते हैं परमात्मा कि तुम समझो यहाँ के क्या मपा दे लिया तुमने, तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आग बरानी क्यों जलता, समझे नहीं शोक सुधर गैले, बड़े भूत बहे जो पिंड भरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। परमात्मा में सौ सौ बात सौ सौ जो है ना कहानी सुना के ना जाने कितने प्रकार के प्रमाण देकर हमारा नशा तारना चाहे, हमें याद दिलाना चाहता है कि तू यहाँ का नहीं है, कित फंस कर बैठ गया, ये तेरा ठिकाना कौन है। अब जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, मान ले एक परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और मृत्यु को प्राप्त होता होता अनु का करे भगवान मेरा नाइव कित जाऊंगा, पता नहीं कौन सी योनी में जाऊंगा, भूत बनूंगा कि कुत्ता बनूंगा क्या बनूंगा। तो जैसे कहते हैं पात जड़न तानू कहे सुन भाई तरवर राए, अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहां गिरेंगे जाए, फिर उसको कुल के लोग सांत्वना दिया करें जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है और कह रहा है भाई मेरा नहीं है भगवान क्या होगा कहां जाऊंगा। और जब तक मृत्यु निकट नहीं आती यू आंडी पा क्या रहा है कति नहीं सुनता भगवान के विषय में, तो कुल के लोग समझाया करें भाई ये तो सबने मरना है दो दिन आगे पाछे, यही कहते हैं ये तो सबके साथ बनेगी, या तो कौन रहा है संसार में, इस तरह उसका दिल साढ़ अटैक रहे। तो ऐसे ही कहते पात जड़नता यू कहे सुन भाई तरवर रे, अब के बिछड़े नहीं मिला ना जाने कहां गिरंग जाए। अब तरवर कहता पात से, मान लीजिए तरवर यानी कुल के लोग कह रहे हैं उस मृत्यु को होने वाले की को, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की आहे रीति है एक आवे एक जात, एक पैदा हो गया एक की टिकट कट गई, पोता हो गया दादा मर गया और ना जाने किन कारणों से और भी परिवार के परिवार एक एक परिवार में चार चार सदस्य एक्सीडेंटों में किसी और कारणों से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाले। ओए होए, 1,00,000 जन्म लेने के लिए मनुष्य शरीर में प्रतिदिन आ रहे हैं और 1,25,000 आ रहे हैं, 1,00,000 वापस काल के मुंह में जा रहे हैं। तो कहते हैं जैसे चीटी कोई दुर्भाग ली है, कोई दुर्भाग ली है नो, उसकी पूरी जो है ना लाइन कतार हो जाती है, पंक्ति बहुत लंबी कितनी। तो ऐसे कहते आना जाना लग्या हुआ जो कीड़ी का नाल, पुत्र हुआ उसकी खुशी में कई वर्षों के बाद, 2-3 लड़कियों का पुत्र हो जाए तो फूल्या नहीं समाता, दादा भी नहीं होगा भाई पोते की मत जमना अनुष्ठान करूंगा यज्ञ करूंगा, 100-200-400-500 आदमी इकट्ठे करके वह खाना खिला दिया, गुटी शूटी प्या दी, खुशी मना ली, 1 साल के बाद 2 छोरा मर गया, वो पोते की मृत्यु होगी, फिर टक्कर मारे हाहाकार मच रहा है।
तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रया मनमोद, ये सकल सभी न काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोदे, खाई खुरा का पैन पुसा का यम का बकरा पलता है। ये अच्छी अच्छी बढ़िया नए नए कपड़े पहन गांडी पाके आने नोड़े नोड़े डिजाइन के फैंसी ड्रेस और अच्छी खाओ है। कहते तू तो काल का बकरा पलन लग रहा है जो भक्ति नहीं करता, और कबीर परमात्मा की जो प्यारी आत्मा उनके निकट काल नहीं आएगा। अब ये सत्संग जो चल रहा है ये किस उपलक्ष में है? ये 5 दिवसीय समागम परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर जी सन 1727 में, यानी सन विक्रमी संवत 1784 में अपने सतलोक से चल के एक जिंदा महात्मा का रूप धारण करके संत गरीबदास जी को गांव छुटाने जिला झज्जर उन्हीं के खेतों में कबलाना की एक गांव है, कबलाना और छुटाने की सीमा लगती है, उधर एक कच्चा रास्ता जाता था, अब वहां पक्का सड़क बना हुआ है और वहां पर एक यादगार भी विद्यमान है वर्तमान में, उस पे स्पष्ट लिखा है कि यहाँ कबीर परमेश्वर जी आए थे और गरीबदास जी को दर्शन दिए थे और मंत्र दिया था, सतलोक लेकर गए थे और गरीबदास जी को मृत समझ करके शमशान घाट पर रख दिया था, ले गए थे, चिता पर रख दिया गया था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने ऊपर के सब लोगों की सब व्यवस्था दिखाकर सतलोक दिखाकर अपनी समर्थता से परिचित करवा के वापस शरीर में भेज दिया था। उसके बाद गरीबदास जी ने कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ लिखी है। झूठे सुख को सुख कह ये मान रया मनमोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब जो कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं है, परमात्मा की यथार्थ भक्ति नहीं कर रहे, वो काल के मुंह में है, वो कभी भी इनका और किसी का भी कर सकता है। लेकिन जो कबीर परमेश्वर की शरण में आगे और सच्ची लगन से लगे रहे तो कहते हैं उनका काल अकाउंट नहीं लेता, ये धर्मराज उसका लेखा जोखा नहीं करता। जब कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब जी की आत्मा गरीबदास साहिब जी को यानी उसकी सूक्ष्म शरीर को धर्मराज के दरबार में लेकर गए, अपनी समर्थता का प्रमाण दिया दिखाने के लिए कि ये आंखों देख लेगा तो मैं कौन हूं क्या हूं, तो ये ठोक कर गवाही देगा। धर्मराज यहां का चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस यानी वो धर्मराज ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने भी खड़ा नहीं होगा। जो उसके दरबार में चले गए तो कुर्सी नहीं त्यागेगा, केवल उस परम शक्ति के सामने वो अपने आप चेयर से दूर हो जाता है और नतमस्तक हो जाता है। ऐसे कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी को लेकर के जब धर्मराज के दरबार में प्रवेश किया न्यायाधीश के, धर्मराज क्योंकि ऑटोमेटिक पावर है, जीव के बस का नहीं होता, उसकी शक्ति के सामने वो कुर्सी पर टेक नहीं सका, खड़ा हो गया क्योंकि परम शक्ति युक्त आ गया। फिर वो परिचित कराया प्रभु ने मैं कौन हूं, और खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर कहने लगा विराजो प्रभु, चेयर पर बैठो, आसन पर विराजमान हो, जैसे कोई बड़ा अधिकारी और छोटे अधिकारी के ऑफिस में जाकर के पहुंच जाता है अचानक, और वो कर्मचारी वो नीचे वाला अधिकारी खड़ा हो जाता है, करबद्ध होकर प्रणाम करता है और वो बड़ा अधिकारी उसको आदेश देता है कि ऐसा करना है, आपने ऐसा करना है, और कोई गलती हो तो उसके ऊपर डांट लगाता है, वो कहता है जी सर जी सर। एक ही शिष्टाचार भी होता है क्योंकि बड़े छोटे की कदर भी की जाती है, आवश्यक है ये। अब वहां जो संवाद होता है परमेश्वर और धर्मराज का, गरीबदास जी कलम तोड़ व्याख्या लिखते हैं।
पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हमसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाएगा वंशे। पंजा परमात्मा कहते कबीर जी के दस्त माने हाथ का, परमात्मा का आशीर्वाद कबीर जी के आशीर्वाद भरा पंजा अपने सिर पर रखो। किसके सिर पे पंजा रहेगा? जो परमात्मा की विधिवत साधना मर्यावत सत साधना कर रहा होगा। कहते हैं पंजा दस्त कबीर का, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तेरा उधर जाएगा वंश, तेरा कुल पार हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं जो हंसा हमारी शरण में है उसका 101 पीढ़ी को पार करूंगा, पिछली पीढ़ी में 101 पीढ़ी। अब 101 पीढ़ी देख लो कितने दिन में पूरी होगी, लगभग 1000 वर्ष में। तो हजारों वर्षों तक अब ये भक्ति मार्ग सही ओके चलेगा। अभी 2-4 साल के अंदर ये सब ये नकली संत हैं ये मैदान त्याग जाएंगे, छोड़ जाएंगे, या तो ये राजनीतिक पार्टी बना लेंगे अपना रोटी धंधा बनाए रखने के लिए और अनुयायियों को मूर्ख बनाने के लिए, और नहीं ये हिंदुस्तान से बाहर हो जाएंगे कितन कित और विदेश में कोठी बनाओगे। और फिर परमात्मा का पूरी पृथ्वी पर यह ज्ञान होगा, हर इंसान धनवान होगा, यानी धनवान वही होता है जिसकी इच्छा मिट जाए और राम नाम मिल जावे। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो, कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। आपको ज्ञान हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, उसके जब वो फिर पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएगा और सभी कर्मों से परिचित हो जाए, फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेगा, केवल जन्म और मरण से छुटकारा पाने की ही इच्छा रखेगा, नथिंग एल्स। परमात्मा ही कहते हैं क्या मांगो कुछ ठहर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाजी, आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या हुआ दरबंदे हाथी। परमात्मा कहते के मांगो इस भगवान से, जब ज्ञान हो जाएगा आपको, के मांगो, एक पुत्र मांग लू, दो मांग लू, संतान बेटी मांग लू, कोठी मांग लू, कार मांग लू, एक फैक्ट्री मांग लू, बता। कहते हैं क्या मांगो कुछ ठहर ना रहा, ये स्थिरता कोनी। कहते हैं और देखत नैन चला जग जाई, आख्या के सामने ऐसे ऐसे अरबपति करोड़पति हेलीकॉप्टरों के अंदर क्रैश होकर एयर क्रैश में खत्म होकर एक्सीडेंट हो गए, हार्ट अटैक से किसी ब्रैन माटी गुर्दे खराब होकर यानी ब्रैन माटी होकर मर जाती है, और देखत नैन चला जग जाई, सर्व सोने की लंका होती रावण से रण धीरम, एक पल कुम राज विराजी वजन के पड़े जजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। सारी सोने की लंका थी उसकी, रावण खुद भी सूरवीर योद्धा था, यानी श्री रामचंद्र जी की टक्कर उसने जबरदस्त युद्ध में दी थी, और उसके 1 लाख पुत्र थे, 16 लाख नाती, आज उसका कोई दीवा बाती भी कोई ना ढूंढ गए ना विरागी था, और उसके वंश का नामो निशान नहीं है। और देख लो कि कितने तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, तो तब हमें ये पूरे विश्व में शांति होगी। ज्ञान के बिना हम अज्ञानता में गोबर के बूंद की तरह गोबर की गोली बना के घर में रखने लग रही है, ना बेरा रस्ते में किसी पशु के पैर के नीचे आकर बूंद मर जाता है, गोबर का बूंद।
ऐसे ही जो परमात्मा से दूर प्राणी है केवल माया जोड़ जोड़ कर बैंक बैलेंस बना लाग रहे हैं कि तो और शेयर बाजार मर की तो प्लाट खरीद के गिर रहे। ऐसी ऐसी कथाएं हमने सुनी है कि एक व्यक्ति ने अपने पुत्र को सुखी करने के लिए 10 प्लाट खरीद दिए और पिताजी की मृत्यु होगी, पुत्र लागया शराब कबाब बकवाद करने, उसने वो तकरीबन सारे खराब कर दिए और फिर अंत में स्वयं उसको लड़के को भी गुर्दे की बीमारी होगी, मर गया। रही संपत्ति 20-30 लाख रुपये वो बर्बाद करके अंत में कुछ भी कौन रहा। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं अब वहां के रह गया कुछ भी कौन है। ऐसी जो है ना परिवार देखे जिनका एक का पुत्र था वो मर गया और संपत्ति का अंत नहीं, अब चाट ले संपत्ति ने क्या करेगा बता। तो ये बातें हमें इस तत्व ज्ञान से समझ में आऊंगी। तो परमात्मा हमें याद दिलाते बताना चाहते हैं कि यदि तू सुख चाहता है तो मेरी शरण में आ जा, और फिर क्या होगा कि पूरे विश्व में शांति होगी, एक बार अवश्य होगी। नीताग लाग रही है, ये कोई जीवन का तरीका है या कोई समाज एक कितना गिर चुका है इंसान की इंसानियत वरना नहीं की जा सकती। बाप की इज्जत ना, माँ की कोई ठिकाना, फिर माया माया दिखे बाण अच्छी लगती ना, पता नहीं कि कैसा बुरा हाल हो रहा है संसार का। माया माया के ऊपर बाण भाइयों के मुकदमे कोर्टों में देख लेगी तो टक्कर बाजन लाग रही है। और जब ज्ञान हो जाएगा तब यहां से इच्छा हटेगी और राम नाम के धनी हो जाओगे, और धनी हो जाओगे फिर परमात्मा जैसे द्रौपदी के ऊपर आपत्ति आई परमात्मा ने एक पल में आके दूर कर दी, ऐसे शुभ समागम ऐसे शुभ कर्म आपसे करवा देगा ये दास और आपके ऊपर ऐसी कोई आपत्ति का आने का संस्कार हुआ परमात्मा ऐसा ऐसे ढंग से टाल देगा आप सोच भी नहीं सकते। और आपके घरों में जैसे आप सुबह सत्संग में आपने सुना था कि जो पुण्यात्मा परमात्मा के साथ कभी रही थी और वो पार ना हुई, बीच में पैर फिसल गया, तो वो फिर क्या होती है उनको परमात्मा या तो अपने एक रिजर्व कोटा है भगवान का, यहाँ एक ब्रह्मांड के अंदर राजदूत भवन टाइप अपनी अपना स्थान है, वहां ना इस ब्रह्म नवेरा उसका ना ब्रह्म विष्णु में, इसका तो मतलब है कि है ऐसे स्थान पे वहां ब्रह्म भी नहीं जा सकता इस ब्रह्मांड के उस कोने में जहाँ परमात्मा विराजमान है, यानी वहां उसका एक अलग से प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ऐसी मालिक ने अपनी वो बना रखी व्यवस्था। तो वहां पर उन आत्माओं को जो पीछे 64 लाख हुए थे पार ना हुए, तो कुछ एक को तो इतने मतलब गिरावट में थे कि उनको जन्म ही दे दिया मनुष्य का, वो चक्कर काटते आ रहे हैं, और कुछ को वहां अपने उस लोक में रख दिया। और जो पुण्यात्मा मनुष्य जन्म प्राप्त होती हुई आ रही है और वो मर चुकी है उनको कोटे में रखेगा परमात्मा ने, उनको अब रखा हुआ अपने लोक में, तो परमात्मा के इस राजदूत भवन में हमारा खर्च नहीं है, वहां परमात्मा के दरबार से ये प्राणी अपने पुण्यों को बचा कर रखता है। और अब आपको परमात्मा पहले तैयार कर रहा है परमात्मा यानी भक्ति को दे करके आपके सारे ये माता मसानी ढोकनी छुटवा करके और भक्ति युक्त कर रहा है। आपके संतान होगी जो अब या वर्तमान में आपकी संतान है उनका संतान होगी, वो संतान ऐसी प्यारी आत्मा परमात्मा भेजेगा कि उनके संस्कार इतने बढ़िया होंगे कि वो अप अप ठाठम ठाट रहेंगे और बचपन से उनकी भक्ति आपके घरों में होती मिलेगी और वो शुरू से कबीर भगवान जय बंदी छोड़ थत थाए तोतरी तोतरी आवाज से बोलन लाग जाएंगे। और आप फिर बड़े होंगे जब उनके इतने सुंदर काम चलेंगे, कुछ उनको ज्ञान ऐसा होगा कि गणित घना धरनी चाहिए काम चलाओ चाहिए, फिर वो दान क्रिया करेंगे गरीब की सहायता हुआ करेगी, दया भाव होगा, पूरा विश्व जो है
ये मानव पूर्ण रूप से एक बार बहुत अच्छी तरह रहने लगे थे। जैसे आप देख रहे हो, आप जिनको ये हृदय में ज्ञान समा गया है वो किसी का आत्मा नहीं दुखा सकता, भूखा रह जाएगा। और कोशिश होगी उसको मदद करते। हमारे भक्ति कहते हैं कोई गरीब नो कह मैं चल जा नहीं सकता, किराया को नहीं मेरे पास, नो कह मैं किराया दे दूंगा, तो एक बार सत्संग सुनने चल पड़े। बता के आठ से गवाह ने भी किराया देती हुई आदमी का बीमा न करा है और यहाँ फ्री में जाने लग रहे अपने किराया दे कर चल मैं चलूंगा। तो ऐसी भावना बन जाएगी, ऐसी दया भाव आगी, सब विकार दूर हो जाएंगे, ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। ये हाहाकार बकवास दे नाचने गाने फैलन फैलन बताइए, कोई बकवास कोई देखने की चीज है? बाण बेटी देख ऐसा गिर गया जो ना इंसान के टेलीविजन में, ऐसे गंदे गाने ऐसे गंदे डांस हुआ, पूरा परिवार देखे, बाप बाप भी माँ भी बेटी भी उसको बड़े खुशी मना रहे है। ऐसे गंध से तो गंध ही उत्पन्न होगा दिमाग के अंदर, अशांति फैलेगी और दुराचार बढ़ जाएगा। और एक समय आएगा कि आप इनसे दूर होने लग जाओगे, आपकी इच्छा को नहीं करे सकती, आपको समझ में आ जाएगी तो बकवाद है ये, हीरो माया कमाण लग रहा है, हम अपनी बकवाद अपना समय बर्बाद करें इसकी बकवाद दान देखे, तो फिर समझ में आ जाएगा ये तो काल का जाल है, हमें भक्ति से दूर करने के लिए समय बर्बाद करने का तरीका ढूंढ रखे। अब देखो एक व्यक्ति ताश खेलने लग जाओ, हाँ गेर देव को देखूंगा तो लेना एक ने देने तो सारा दिन खोज दे इबका आ जा। पता कोई बात है, काल चाव है कि यो इंसान यो मनुष्य अपने मानव जीवन बर्बाद कर दे किसी प्रकार, फिर इसने 84 लाख के कोलों में डाल दूंगा, पद के खाए जाएगा। इसको चिंता है कि मनुष्य जीवन में ये तेरे हाथ से बाहर निकल सकता है यदि ये भक्ति कर गया था। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी आपके पूरे खानदान को पूरे वंश को कुल को पार कर देगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंप नहीं उधर जात है वंश। गरीब दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जंजीर। दर्द बंद दरवेश है, दर्द बंद यानी जिसके अंदर दया है, और दुखी व्यक्ति के जो दुख को दूर करने वाला है वो दरवेश रूप में, दरवेश माने संत साधु रूप में आने वाला वो कबीर परमात्मा, और उसके नाम लेने से उसकी विधिवत साधना करने से ये काल के जम की जंजीर यानी बेड़ियां कट जाती, कर्म बंधन के जो सब पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर है तीन लोक तत्सार, कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, 2-4 की क्या चले उधर हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। झूठे गुरु के आसरे कदे न उधरे जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीर। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराट, शिवसन का दिग्धाम ही मुनिजन जो है बाट। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गैल, बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैल। पग गरीब पग चेती दुनिया चले पंछी पर उड़ान, ऊंचा मैल कबीर का जा नहीं जमी आसमान। गरीब नीम मंडेरन मैल के नहीं घाट नहीं बाट, ऊंचा तख्त कबीर का कैसे की जैसाट। संख स्वर्ग पर सैल है संख स्वर्ग पर धाम, ऐसा असर देखिया वहां बिना नीम का गाम।
बिना नीम के नगर में वहाँ बसते पुरुष कबीर। शिव वर्मा दिख थकते हैं, थकत हैं, कोई ना धर है धीर। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। जैसे अलल आकाश को रपती चरण लगाए, ऐसे हरिजन हंस को ले चालत है ताए। नाम निरंतर संघर्ष रोह फरके धजा निशान, अनहद बाजे बाजे ही वहां सतगुर के सतगुर आम दीवान। गिरिप सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ही छूटे सभी उपाद। उपाद माने बकवाद। अब के बताया है परमेश्वर कबीर जी की महिमा। पंजा दस्त कबीर का सिर पैरा को हंस, यम किंकर चंपनी उधर जांगे बंस। दर्द बंद दरवेश है ये सतगुरु पुरुष कबीर, और नाम लिए मन छूटे ये टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर है तीन लोक तत्सार, और कोट उनंचा पृथ्वी चौदह भवन उधार। तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला कबीर अवैश अविनाशी परमात्मा है। इन तीनों लोकों का सार यानी सर्वशक्तिमान निचोड़ सबकी मूल ये कबीर परमात्मा है। यही गीता जी बता रही है, यही सत्संग वेद की वाणी बता रही है। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवाने, झूठे गुरु अमर गए वह हो गए भूत मसान। परमात्मा चारों युग में आते हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। और अपनी महिमा का अपने आप ही वो ढोल पीटते हैं। कहते हैं झूठे गुरु तो मर जाएंगे फिर नहीं दोबारा कितने पनपते हुए। अब देखो कितनी अब भक्त हमारे कितने सयाने होते जाते हैं। इस तरह चारों तरफ परमात्मा का प्रचार चल रहा है। दिल्ली के अंदर हमारी प्यारी आत्मा बच्चे बंदी छोड़ के छोटे छोटे बालक बूढ़े कति 80-80 साल के भी हैं, और गले में फट्टी बांध के परमात्मा के नाम की, और वहां जा जाकर समझाते हैं कि परमात्मा प्रगट हो चुके हैं। प्रगट मीन उसका प्रकाश ही हो रहा है। हमारे गुरुदेव उन्हीं का संदेशा लेकर आए हैं। आप जानिए कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, शेरावाली का पति कौन है, क्या आप जानते हैं? तो बुढ़े बुढ़े भी नो कहे मैंने जो है ना 60 किताब बेच दी। कितने बेचे हैं? यानी 26-27 रुपए की बुक और 10 रुपए में देते हैं। वो भी इसलिए देते हैं हम, यदि कोई मोल ना लेगा वो दे देंगे क्या, कित चाटखानियां पर बेच जाएगा या पटक देगा, और 10 रुपये खर्चेगा तो इस अनमोल ज्ञान को पढ़ेगा। नहीं तो हम चाहते हैं फरीदें ये के चीज, इसके हकीकत में मोल है, अनमोल ज्ञान है, इसकी कीमत को दी नहीं जा सकती, ना इसकी कीमत लगाई जा सकती। तो अब ये परमात्मा का जो है प्रचार चल रहा है, तो इसमें बहुत सी प्रश्न उत्तरी होती है। अब जैसे भक्त है एक, उसे जैसे राधा स्वामी वालों के साथ चर्चा हुई, वो कहते हमारे तो शिवदयाल जी जो थे ना पहले, जिससे राधा स्वामी पंथ चलाओ तो परम धनी है, अजर वो अमर है, सर्वशक्तिमान है। तो हमारा भक्त प्रेमी बोला, नो बोला थारा परम धनी पहले भी आया था कदे इस युग ते, वैकी था उसका नाम निशान बताओ, इससे पहले परम धनी भूल रहा था तुमने। और हम जब बतावा कबीर साहब चारों युगों में आए, सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, कलयुग में कबीर नाम से, चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हे लरे, हीरे माणिक मोती चुगते यो जग, हीरे माणिक मोती बरसे है यो जग चुगता डे लरे। तो राधा स्वामी का जो
तो कर रहा था चर्चा, वो बता रहा या तो हमने कदम सोची है कोई ना, अभी परम धनी पहला की सुख हो गया था पहले ना जी खेक तो चमके नाम निशान कोई ना परम धनी इबा का चमके कलयुग में। अरे परमात्मा कहते हम चारों युगा में आते हैं, झूठे गुरु के आसरे कदे न उद सतगुर पुरुष कबीर हैं चार युगन परवान, सतगुर पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। राधा स्वामी का परम धनी भूत बनकर अपनी ही शिष्या बुक्की में ओका पीवा बैठ कर भूत बनकर उसमें प्रवेश होकर के अब परमात्मा की प्यारी आत्माओं ने प्रोसीजर अपनाया है दिल्ली में। ये गले में धागा बांध कर ऐसे न इसका एक पंपलेट बना रखा है हमने, इसमें गले में ऐसे न धागा बांध कर गल में टांग लिया जो मेरा अंधा को नहीं, और नो ऐसे ला लेते हैं गले में टांग लेंगे हाँ। और इसलिए न तरीका अपनाया किसी तो इन्हों कहना ना पड़ा के बेचो हो तुम, तो वह इन बता दे हम यू माल बेचा भाई देख ले लाइए लो ही पर जाते हो, तो ऐसे टांग लेते हैं और आदमियों ने देखा पहला दिन देखा यो ड्रामा के कर रहे भाई है, और फिर वो फिर देखेगा तो पढ़ देगा क्योंकि तो एक अनोखी सी वस्तु लगे। अब इसमें क्या लिखा है मैं कर थोड़ा पीछे कर लेता मैं बस, कौन ब्रह्मा का पिता है कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है डैश आगे मतलब साइन ऑफ इंटरोगेशन, शेरा वाली माता दुर्गा अष्टंगी का पति कौन है, हमको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है, पूर्ण संत की क्या पहचान है, हम सभी आत्माएं कहाँ से आई, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, तीर्थ व्रत तर्पण श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या नहीं गीता अनुसार, समाधि अभ्यास यानी मेडिटेशन राम हरे कृष्ण हरि ओम हंस तीन व पांच नामों या वाहे गुरु आदि नामों से के जाप से सुख व मुक्ति संभव है या नहीं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे फिर गीता वाला काल कौन है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पढ़िए पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश भाग एक व दो दोनों का धर्मार्थ मूल्य 10 रुपए। नीचे अपना एड्रेस है सतलोक आश्रम करोथा जज्जर रोड रोहतक, सतलोक आश्रम जज्जर रोड रोहतक करोथा, सतलोक आश्रम दौलतपुर रोड बरवाला हिसार, ये नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है। अब परमात्मा की कृपा से तेल का मात्रेगा संसार में हमारे छोटे छोटे बालक इन संतों ने और इन जो बड़े बैठे हैं मंडलेश्वर लाख करोड़ों व्यक्तियों को डुबो रहे हैं उनको बोलने नहीं देंगे और फिर उन्हीं के अनुयायी इस ज्ञान को समझ कर उनसे प्रश्न उत्तर करेंगे, उनको मुंह छुपाना भारी हो जाएगा और फिर वो हाथ जोड़ देंगे जाओ तुम नजदीक जाना से नौका दिन रोग न कट जा, पर ये ढीठ है ना मानने थोड़े और दे ही तोड़वा के मानेंगे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में हम पुकारे कूक कया हम हे लरे, हीरे माणिक मोती बरसे हैं यो जग चुभता ढेलरे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। अपुण्यात्माओं शिवजाल जी राधा स्वामी के प्रवर्तक हैं वो भूत बन गए और अपनी प्रिय शिष्या बुक्की के अंदर आकर के वो बोलते थे और आदेश देते थे अपने अनुयायियों को नू कर लो, शालिग्राम साहब और प्रताप जी साहब वो उससे आदेश लेकर काम करा करते। ये जीवन चरित्र हजूर साहेब शिवजाल जी के आगरा से प्रकाशित में नौका ने विद्वान है आपको दिखाता हूं। अब देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा यूपी। आगे देखना स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब
ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे प्रताप सिंह जी। प्रकाश से गरा दसो मीटर स्वामी बाग आगरा सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाश सिंह द्वारा सुरक्षित। और मुद्रक है राधा स्वामीटर्स चैम्बर्स मालेज रोड आनंद अर्पण प्रिंटरी। इसके प्रश्न नंबर 78 पर देखा हूं युद्ध परम धनी भूत बन गया गलत साधना करके। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 78 जीवन चरित्र बाबा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। अब 71 नंबर वचन है अब बुक्की जी का जिसको जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ वर्ष बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने तो वे वचन हृदय में समा गए। तब इतने प्रेम की हालत हो गई इनके प्रेम की हालत अजीब हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथी में करते थे इनकी आंखों सुरख हो जाए अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बाहर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों वचनों का नशा बना रहता। फिर भी स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। जय हो बंदी छोड़ की हुक्का पिया करते स्वामी जी। ये तो हुक्के की तय निकल दादा लाई लाग थी। ये देखिएगा ये है जीवन चरित्र बाबूजी महाराज। ये जीवन चरित्र बाबूजी महाराज राधा स्वामी सत्संग परम पुरुष पूरन धनी हजूर महाराज के धाम सिधारने के अर्ध शताब्दी की समृति। अब ये क्या है ये बैठे हैं स्वामी जी बाबूजी महाराज स्वामी जी महाराज के साथ। अरियो ओका दरा कान तुमचा देव दरा अरिया नड़ी इसकी आड़े तिला कर आड़े ते गोल गोल और स्वामी जी के हाथ में विराजमान है।